अपने घर को सुंदर बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। हर लोगों की ये चाहत होती है कि उनका घर स्वर्ग जैसा सुंदर लगे। वहीं कई लोग घर को डेकोरेट करने के लिए अजीब तरीके भी अपनाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला वियतनाम से सामने आया है। वियतनामी पूर्व सैनिक नोयेन वोंग त्रुंग ने अपने घर को सजाने के लिए करीब 10,000 से भी अधिक चीनी मिट्टी के बर्तनों और एंटिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। नोयेन ने घर को सजाने के लिए अपने जीवन के कीमती 25 वर्ष अलग अलग तरह की क्रॉकरी खोजने में खर्च कर दिए। सेना से छुट्टी मिलने के बाद नोयेन अपने बेटे के साथ गांव चले गए और वहां पर दोनों बढ़ई का काम करने लगे। नोयेन को एक बार एंटिक वस्तुओं के शौकीन व्यक्ति के घर टेबल कुर्सी बनाने का मौका मिला। वहां पर चीनी मिट्टी की बेहतरीन क्रॉकरी और पुरानी वस्तुओं की सुंदरता देख नोयेन काफी प्रभावित हुए। नोयेन ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो इस तरह की वस्तुओं को जमा करेंगे। उन्होंने पूरा वियतनाम घूमकर कई तरह की क्रॉकरी खरीदी। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे कई देशों की यात्रा की जहां पर उन्हें एंटीक क्रॉकरी के बिक्री के बारे में पता चलता था। नोयेन का ये जुनून देख परिवार के लोग परेशान थे, क्योंकि पूंजी खत्म होने पर नोयेन उधार भी लेने लगे थे। नोयेन ने पहले ये सोचा था कि दुनिया भर से जमा इन क्रॉकरी को वो ऊंचे दामों पर बेचेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और घर में क्रॉकरी का ढेर लग गया। इस कलेक्शन में 17वीं और 18वीं सदी की क्रॉकरी भी शामिल थी। नोयेन को डर लगने लगा कि कहीं ये क्रॉकरी टूट फूट ना जाए या उनकी मौत के बाद इन बर्तनों का क्या होगा। इसके बाद नोयेन ने इन क्रॉकरी का इस्तेमाल कर अपने घर को सजाने का फैसला किया। उन्होंने घर की दीवारों, गेट और फेसिंग पर टाइल्स की तरह क्रॉकरी लगानी शुरू कर दी। इन क्रॉकरी में चीनी मिट्टी से बनने वाले हर तरह के बर्तन शामिल हैं। घर को सजाने के बाद नोयेन ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। क्रॉकरी से सजाए गए घर की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।